रीवा जिले में अवैध हथियारों की भरमार है। आए दिन गोली चलने की घटनाएं घटित होती हैं। हालांकि पुलिस कभी कभार जांच अभियान चलाती है जिसमें सफलता भी मिलती है। कोतवाली पुलिस में हाईवे में गिरोह बनाकर लूट करने वाले मुख्य आरोपी को देसी पिस्टल और कारतूस के साथ जहां गिरफ्तार किया है, वहीं अलग अलग स्थानों में दबिश देकर अवैध हथियार रखने वालों को भी सलाखों के पीछे पहुंचाया है। पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन के निर्देश पर कोतवाली मऊगंज और समान पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर 25 आर्म्स एक्ट के तहत कार्यवाही की है। कोतवाली थाना क्षेत्र के रतहरा में चालक संजय कोल के साथ पिकअप वाहन को रोककर पल्सर मोटरसाइकिल सवार 3 बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया था। आरोपियों ने नकदी और मोबाइल छीनकर फरार हो गए थे। कोतवाली पुलिस ने FIR दर्ज कर आरोपियों की तलाश कर रही थी। कोतवाली निरीक्षक आदित्य प्रताप सिंह ने अपनी टीम के साथ मुखबिर की सूचना पर दबिश देकर आरोपी अखिलेश मिश्रा को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से 1000 नकदी, 1 देसी कट्टा और 1 जिंदा कारतूस बरामद किया है। इसी तरह कोतवाली पुलिस ने धारदार हथियार लेकर घूम रहे 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 3 चाकू और 1 गुप्ती बरामद की गई है। पकड़े गए आरोपियों में सातिर बदमाश करण कोरी, वालिमुद्दीन, शंकर बक्सरिया और रामू स्वीपर बताए जाते हैं। चलाए जा रहे अभियान के तहत मऊगंज पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें राकेश कुमार नीरत को गिरफ्तार किया है, जिससे धारदार बका बरामद किया है। दूसरी कार्यवाही चाक मोड़ पर मऊगंज पुलिस ने की है, जहां से अवनीश पटेल को गिरफ्तार किया है। तीसरी कार्यवाही ढेरा गाँव में की गई है, जबकि समान पुलिस ने बस स्टैंड के पास धारदार चाकू लेकर घूम रहे आशीष उर्फ गोल्डी पटेल को गिरफ्तार किया है। पुलिस के द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत आरोपी पकड़े गए हैं, जिनसे पूछताछ की जा रही है।